शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अनीसा पटेल, खबर सेवन सी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद की सीमा पर पहुंचकर पूर्व मंत्री जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस पार्टी का सदस्य चुने जाने पर भव्य स्वागत किया। जितेंद्र प्रसाद ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। आइए देखते हैं लखीमपुर खीरी से डॉक्टर जर्रार खान की यह रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद की सीमा पर पहुंचकर पूर्व मंत्री जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस पार्टी का CWC के सदस्य चुने जाने के बाद प्रथम आगमन पर फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ जितेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट लॉन लखीमपुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में जितेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जनपद लखीमपुर के सभी कार्यकर्ताओं का भारी सहयोग प्राप्त है। 2019 के चुनाव में हम अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के कार्यों को DGP के शासन में 5 साल के कार्यों को तराजू लेकर जनता से तोलने को कहेंगे। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था यहाँ, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बाढ़ राहत देखने मुख्यमंत्री आए और उनका भला होगा, मगर उनकी घोषणाएं पिछले वर्ष ना पेट्रोमैक्स चले, ना दवाइयां बटी, ना भोजन का इंतजाम हुआ और ना बाढ़ प्रभावित लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था रहने की उपाय, ना तिरपाल बटी। मैं खुद देख के आया और सबने देखा। और इस बार मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करके चले गए हैं, भला कब होगा ये मालूम नहीं। ये क्षेत्र बड़े कठिनाइयों से गुजरता है यहाँ का किसान और आम जीवन, क्योंकि शारदा और घाघरा दो नदियाँ हैं और प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ का प्रकोप रहता है, कटान का रहता है। अभी भी समय है, भाजपा सरकार फोटो ना खिंचवाए, बाढ़ टूरिज्म ना करे, कुछ किसान और बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करके जाए और कुछ दे के जाए। NRC को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? NRC को लेके कल कार्यकारिणी की बैठक हुई है कांग्रेस की, और उसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो NRC है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। राजीव जी से लेके मनमोहन सिंह सरकार में NRC को कांग्रेस ने ही धार दी, और आंकड़े भी बताते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में 80,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया और भाजपा की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 18,000 गैरकानूनी लोगों को बाहर किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये बातें ज़्यादा और काम कम, और बल्कि कांग्रेस पार्टी काम ज़्यादा।